ये भाई शेरू भाई हेड सिलेंडर फिट कर रहे हैं और इस पे बॉन्ड की जरूरत होती नहीं है। एक भाई जान बॉन्ड क्यों लगा रहे हो यार, इस पे बॉन्ड क्यों लगा रहे हो? जो गाड़ी एक बार इन्हें खोल दी ना उसकी तो माँ छोड़ी देता है। सिर भाई बॉन्ड क्यों लगा रहे हो आप? मैं ये जो इस पे रेड रेड लग रही है ये क्या चीज़ है? मैं सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये वीडियो डालना होगा मैं यूट्यूब पे। बताओ सर ये बॉन्ड की जगह काम करती है? आपने रॉयल एनफील्ड की बॉन्ड डाली है। पैकेट उठाना भाई जरा, सर भैया पैकेट उठाइयो। ये देख सकते हैं आप रॉयल एनफील्ड की पैकिंग है ये। दिखाना पलट के दिखाइयो रॉयल एनफील्ड। अरे नहीं यहाँ से पैकिंग दिखाऊंगा ना, देखो भाई ठीक है। एमआरपी मात्र 97 रुपए है। और ये तो और इस पे बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस्ताद जी ने बॉन्ड लगा दी है। उस्ताद जी थोड़ा गंडे आ गए हैं धूप की वजह से। ठीक है चलो भाईजान लगा दो अब इसको हेड सिलेंडर को। और ये देखो क्रैंक है, इसमें अगर साइड मूवमेंट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसकी ऊपर नीचे की मूवमेंट चेक करनी है हमेशा। ठीक है तो उस्ताद जी लगाइए, कितनी देर है इसके हेड सिलेंडर में? वैसे बॉन्ड की ज़रूरत होती नहीं है, मैं लास्ट बार भी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने बॉन्ड लगा दिए ताकि गाड़ी का लगे हेड सिलेंडर खुल गया है। और कभी हेड सिलेंडर फिट करें तो ये वाला स्टड जरूर खोल लीजिए ताकि पिन का लॉक लगाने में आसानी हो। ठीक है और आगे अभी इसमें सिलेंडर किट डालेंगे। ये ले आओ सिलेंडर किट, ले आओ आगे को सिलेंडर किट की पैक वो तो दिखाओ एमआरपी। सर भाई ये एमआरपी देख सकते हैं आप लोग, खोल रहे हैं उस्ताद जी। सामान दिखाना क्या क्या आता है हेड सिलेंडर किट के साथ। सिलेंडर किट के साथ फलान आता है, जो जिसको ये फलान बोल रहे हैं ना वो इसके अंदर डलता है, इसके अंदर इसे फलान बता रहे हैं। फलान दिखा देना इनको, जो बच्चे हैं समझ नहीं पाएंगे। इसको चेक करना ज़रूरी होता है ताकि पता लगे पिस्टन जाम तो नहीं है। देखो लग रहा है उसमें बीच में, शाबाश मेरे शेर। इनका नाम भी शेरू है वैसे, शेरू उस्ताद जी। और ये बी आई बी वाला नोक क्लास है, नोक निकाल लेंगे ट्रेसी को। शाबाश एक ही बार में निकाल दिया नोक। अभी वही लेंड निकाल रहे हैं जो अभी बता रहे थे, समझ रहे हो आप। वैसे इसको गजन पिन बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखना। पेचकस लगा दो ताकि पिस्टन अंदर ना जाए, ठीक है। सारी चीज़ें लड़कों को बताना पड़ती है यार, लड़के थोड़े नए हैं ना। पेचकस थोड़ा बाहर करो, एक तो इन लोगों के हाथ बहुत कांपते हैं, इन्होंने पहले कोक कोल्ड ड्रिंक में दारू पिए मिला मिला के दबा गए। चलो बैठ गया लो, एक बार तेज मारो फिर यार। अब लाओ टॉप पे बस, ये इसका टॉप है और
इसमें लगती है इसकी डावल, ताकि हेड की पैकिंग आउट नहीं हो। दिखाओ पैकिंग, दिखाओ यार जेन्युइन पैकिंग। अभी धोखा नहीं खाओगे आप, कंपनी की पैकिंग जो होती है अलग अलग आती है सारी, ठीक है। और जो MRP मिटा हुई दिख रही है ना, कस्टमर यही खड़ा है, इसलिए MRP मिटा दी है हमने। देखो यार बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये फिर भी लगा रहे हैं। नई पैकिंग में बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। हर मैकेनिक होता है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है आदमी का, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। नई पैकिंग का मतलब ये है कि बिना बॉन्ड के लगाना। तुम फिट करना तो कभी भी वीडियो देख के अगर फिट करो तो बॉन्ड मत लगाना, लीक नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है इस बात की। आप चाहें तो लिख के ले सकते हो, ठीक है। ये तो माच हो रहा है बॉन्ड की। डावल लगाओ यार, डावल निकाल के उस्ताद जी के हाथों में इतनी ताकत है, डावल हाथ से निकाल देंगे यार। निकाल दी एक डावल तो निकाल दिए हाथ से। हाथ में दिखा दिए। और ये कभी भी हेड सिलेंडर फिट करते हैं तो धोती हाथ में साफ नहीं रखते हैं। ये इनकी जो बाहर मैकेनिक होते हैं ना, ये इनकी क्वालिटी है, धोती हाथ में नहीं रखते। लगा यार हेड लगा फटाफट। ओ भाई हेड देखो कितना तगड़ा रखा है साफ। ये भाई हेड है इसका, बहुत बढ़िया तरीके से धोया इन्होंने, एकदम साफ हो रखा कंचा पीस। इसमें वैसे फूंक मारने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ईयर लगानी पड़ती है तो मुंह से काम चला रहे हैं। हर तरह पाना देगा वो, कंपनी में तो ईयर होती है ना लगा हुई, वो पंचर वाली हवा, तो ये तो मुंह से ही काम चला रहे हैं। और चलो जी पैकिंग लग गई, ठीक है। अभी हेड बैठेगा, समझो हेड बिठा दिया है इन्होंने। इसमें हेड में होते हैं तुम्हारे चार नट होते हैं टोपी वाले, और दो वैसे होते हैं, और पीतल की वार्थल जरूर लगाएं इसमें, ठीक है। फिलहाल कार्बेटर भी साथ साथ बिठाना है। ये है भाई, ये है इसके रोकर, ठीक है। ये दो इसके रोकर हैं, और ये इसकी डावल है रोकर की। ये अंदर की चार वार्सल होती हैं जो मैन होती हैं, इन चारों को लगाना होता है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लगेंगे क्योंकि ये नट हैं, और उस्ताद जी लेकर चल दिए हैं। भाई साहब काम बहुत सफाई से करते हैं ये। छोटी बड़ी एंट्री तो, एंट्री तो बहुत तगड़ी थी। बताओ यार, आप ही बता दो। बताया नहीं यार, सुदाम दो ना। कौन सी बड़ी वाली आगे होती है, छोटे वाली पीछे होती है, ठीक है। ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है, ध्यान रखना। ध्यान रखना। फाइनली अब स्टार्टिंग पे योगा में उसका याद कर लेगा। एक अभी हेड सिलेंडर फिट करना है, दोनों टाइट नहीं करने हैं, ये हल्के हल्के लूज रखने हैं, ताकि स्टार्टिंग के बाद में जब स्टार्ट हो जाए गाड़ी फिर स्लो स्लो टाइट कर लेना। हटो, दुकान का एड्रेस तो बता दो। इनकी दुकान है खटर पर। Thank you.